वोट पत्थर दरबार वोट ना पत्थर दरबार जनाब, आप खुद अच्छा लगा 5.5 साल बाद तिहाड़ जेल से आके अपने लोगों के दरमियान खड़ा हूँ और डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि आज 6 बजे तक नेशनल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टियाँ सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद कोई नहीं होगा, वही मजलूम कश्मीरी होगा, वही आम कश्मीरी होगा। लोगों को सोच समझ कर फैसला करना होगा। एक साधारण इलेक्शन नहीं है, कश्मीर है जहाँ बोलने पे पाबंदी है, जहाँ सप्रेशन है, जहाँ पुलिस राज है, जहाँ किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं। एक मौका आज है शुमाली कश्मीर के लोगों के पास, जिस तरह आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बारी वोटों के साथ मुझे तिहाड़ जेल से सीधा पार्लियामेंट पहुंचा दिया। मुझे उम्मीद है कि आज लोग उसी जोश जज्बे के साथ, उसी मिशन के साथ, उसी सोच के साथ, उसी अप्रोच के साथ इंजीनियर शीर के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट डालेंगे। और इन्हें यह पता होना चाहिए, मैं जो फिर रिपीट करता हूँ, एक शब्द कश्मीरी में कहूँगा, कश्रो ये शब आज शाम चाज पतना पिसो न कहें मीडिया वे चलन दिल वादन सियासतदान चलन तुम बहन पे सिक्योरिटी हिसारन मज एक कश्मीरी होगा वो दूसरी तरफ से उसके मसाइल होंगे। लिहाजा मौका है, मौके का फ़ायदा उठाएं, ऐसी आवाज़ें पार्लियामेंट असम्बली में पहुँचा दें जो कश्मीर मसले के हल के लिए बात करें, जो परमानेंट पीस की बात करें, जो दुनिया तक ये पहुँचा दें कि अगर आज हम वोट डाल रहे हैं ये मोदी जी के लिए वोट नहीं है, राहुल गांधी के लिए वोट नहीं है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए भी वोट नहीं है, बल्कि वोट इसलिए है कि कश्मीर के लोगों की सफरिंग ख़त्म हो जाए। डेमोक्रेसी कश्मीर के लोगों की सफरिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस वोट के ज़रिए ऐसे नुमाइंदे चुने जो परमानेंट पीस के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को फोर्स कर सकें, ताकि कश्मीर में एक पूरा अमन आ सके, जिससे कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर के लोग चैन की जिंदगी गुजार सके। एआईपी ने पहली बार असेंबली के कई जगहों पे अपने कैंडिडेट उठाए, क्या लगता है, कितनी उम्मीद है आपको? जनाब, दुनिया उम्मीद पे कायम है, और फिर जो आपने देखा हर जगह लोगों का जो सैलाब एआईपी के कारवान के साथ जुड़ा रहा वो तो आपके सामने है। मैं फिर बात रिपीट नहीं करूँगा, एआईपी हो कोई हो, जरूरी वो नहीं है, जरूरी यह है कि आखिर कल हमारा क्या होगा। मुझे ज़्यादा परेशानी ये खाई जा रही है कि यहाँ 5.5 साल में जेल में रहा, मेरे घर किसी ने खबर नहीं ली, तो ये जो आम वोटर है इनको कौन पूछेगा? पूरे कश्मीर की बात कर रहा हूँ, हमें कंफ्लिक्ट जोन में रह रहे हैं, सीटें किसको मिलती हैं वो अलग बात है, लेकिन सवाल यह कि लोगों को फैसला करना है। मैं बार बार ये कहूँगा 6 बजे के बाद लोगों को कोई नहीं पूछेगा, मीडिया वाले सारे दिल्ली भागेंगे, बाकी मजबूरियों के बोझ के तले दब जाएंगे। AIP अच्छा परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि 8 तारीख को एक सरप्राइजिंग रिजल्ट आ जाएंगे, और अवामी इत्तेहाद पार्टी के बगैर कोई सोच भी नहीं सकेगा कि सरकार बनाए। सर, अगर आपकी अक्सरियत ठीक कर रहे हो तो कोलिशन किसके साथ हो जाएगी? मैं फिर भी रिपीट करूंगा, मेरे लिए सरकार बनाना कोई प्रायोरिटी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुझे इतनी सीटें मिली, इतनी फोर्स मिले कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को अपना दर्द बयान कर सकें, उन्हें बता सकें कि कश्मीर का मसला वो नहीं जो आपको कहा जा रहा है, उन्हें कहें कि आप जिस तरह आप कहते हैं कि अब टोटल इंटीग्रेशन हुआ, किताबों में आप कुछ भी लिखें, लेकिन कश्मीर में लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, आक्रोश है, उसको वेंट देने के लिए एक रेजोल्यूशन की जरूरत है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस मंडेट के ज़रिए हम मामले के बाकी फरीकों पर, आप समझिए सरहद के उस पार की बात कर रहा हूँ, उन तक भी बात पहुँचा दें कि आप हमारे बिहा पर फैसले नहीं ले सकते, कश्मीर की बात सिर्फ कश्मीरी करेंगे, जो हम चाहेंगे वही होगा।
सर बेल पे आप आपने यहाँ पे कैंपेनिंग चलाई और कई दिनों पे आप रहा, तो क्या लगता है कि आगे क्या रो रहेगा कि बेल और बढ़ जाएगा? कोई बात नहीं, आप मुझे डरा रहे हैं, मैं तैयार हूँ जेल जाने के लिए अगर अपने लोगों के लिए मुझे जब तक मर्जी सरकार की जेल में रखे। लेकिन हम तो और लोगों की तरह घोटालों में जेल नहीं जा रहे, सच बोलने के लिए जेल जा रहे। लेकिन मुझे यकीन है कि इंसाफ होगा, कल हमारी इरेगुलर बेल लगी है, इंशाल्लाह जीत सच की हो। थैंक यू सर।